अब सीधे जीएमडीए के खातों में ईडीसी का पैसा जाएगा। जी हां, आज गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई जीएमडीए की मीटिंग में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने सीएम खट्टर के सामने जीएमडीए को फंड्स की कमी की बात सामने रखी है, जिस पर सीएम ने संज्ञान लेकर सरकार को मिलने वाली ईडीसी जीएमडीए के खातों में ट्रांसफर करने की बात कही है। सीएम ने कहा है कि मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर भी चर्चा की गई है, जल्द ही इस पर भी काम शुरू होगा। वहीं सीएम खट्टर की माने तो प्रदेश भर में एमएसपी पर फसलों की खरीद हो रही है और जल्द ही मंडियों से गेहूं और अन्य फसलों के उठान पर भी किसानों के खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। सीएम की माने तो 72 घंटों में किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सीएम ने प्रदेश भर में मास्क को लेकर सख्ती बरतने के आदेश जारी कर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने की बात भी कही है। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने जीएमडीए की बैठक में पुराने ठर्रे पर चलती व्यवस्थाओं को कोसते हुए ईडीसी का पैसा जीएमडीए और नगर निगम के खातों में ट्रांसफर करने की मांग की थी, जिस पर सीएम ने सहमति जताते हुए 150 करोड़ रुपए जीएमडीए के खाते में ट्रांसफर करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। जीएमडीए की हमारी 8वीं मीटिंग हुई है। जब से जीएमडीए का निर्माण हुआ है तब से रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं और हर मीटिंग में जो पिछला मीटिंग का एजेंडा होता है उसको हम बारीकी से विचार करते हैं, कितना काम हो गया और कितना अगले एजेंडे के लिए हमने प्रपोज किया है, तो सारे विषय वो ठीक से आज विचार हुए हैं। इसमें जो कुछ निर्णय लिए गए हैं, एक पहला निर्णय ये लिया गया है कि जो ईडीसी का पैसा है जो लाइसेंस के बाद हमारे पास आता है, अभी तक वो टाउन कंट्री प्लानिंग के माध्यम से और कंसोलिडेटेड जो फंड होता है स्टेट का उसमें जाता है, वहाँ से फिर विकास के नाते आवश्यकता के अनुसार यहाँ भेजा जाता है। लेकिन उसमें कई तरह के विवाद रहते हैं, कभी पैसा ज़्यादा इकट्ठा होता है कम आता है, कभी कम इकट्ठा होता है ज़्यादा आता है, डिमांड बनी रहती है। तो इसको हमेशा के लिए सॉल्व करने के नाते निर्णय लिया है कि अब ईडीसी का पैसा यहाँ जीएमडीए है और फरीदाबाद में एफएमडीए है, तो इन सब शहरों का जो ईडीसी का पैसा है वो सीधा यहीं रहेगा, वो अब कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाएगा। तो इस साल से ही आगे ये व्यवस्था कर दी गई है, पिछला जो पैसा यहाँ से गया हुआ है उसका रिकनसाइल करके और वो जितना यहाँ का बनता है वो भेजा जाएगा। आज भी 150 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने और रिलीज़ किया है यहाँ जीएमडीए के लिए। दूसरा एक जो रिसीट रेवेन्यू का है यहाँ का, वो है स्टाम्प ड्यूटी लोकल बॉडीज़ के लिए 2% लिया जाता है जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, उसमें तय किया कि यहाँ फरीदाबाद के एरिया का जो स्टाम्प ड्यूटी है उसमें 1% सीधा जीएमडीए को आएगा और 1% अपने अपने एरिया का सीएमजी अपना एमसीजी और एमसीएम यानी मानेसर और गुड़गांव जो उनका एरिया है उनका 1% उनको मिलेगा और यही व्यवस्था फरीदाबाद में भी लागू होगी और ये पैसा भी सीधा आएगा, अब ये प्रदेश सरकार को नहीं जाएगा। एक ग्रे वाटर की जो प्लानिंग हमारी पहले से भी चल रही है उसमें जितना भी पानी ट्रीटमेंट होता है उस ट्रीटमेंट का अभी तक 30% रीयूज होता है, लेकिन अब उसका टारगेट तय किया कि इसका 60% जो ग्रे वाटर है वो यहीं वापस रीयूज हो जाए, चाहे वो गार्डनिंग में हो, इरिगेशन में हो अथवा इंडस्ट्री में हो, ताकि उस पानी का उपयोग होगा तो रॉ वाटर उतना ही हमारा बचेगा। फिर हमारे ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, 4 प्रोजेक्ट्स जो पहले से चल रहे हैं, उमंग भारद्वाज चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे, ऐसे ही हुड्डा सिटी सेंटर का जो जंक्शन है, अतुल कटारिया चौक है, महावीर चौक है, ये बहुत जल्दी यानी अगस्त तक ही तैयार हो जाएंगे और अगस्त के महीने में इनका सबका इनॉग्रेशन हो जाएगा। जितने भी मास्टर ड्रेन्स हैं उन सबका भी सफाई कराई जाएगी और बारिश में जो जल भराव न हो, क्योंकि अब आने वाले 1 महीने के बाद बारिश का मौसम शुरू होगा 1.5 महीने बाद, तो उस पानी यानी जल भराव का पूरा अभी से चिंता कर ली गई है और उसको भी ध्यान रखा जाएगा। ग्रीन बेल्ट्स में जो साइड में ड्रेन्स होती हैं उसको 1-1 फुट और गहरा किया जाएगा, सबको साफ किया जाएगा। रोड्स की इम्प्रूवमेंट खास करके सेक्टर 58 से 67 तक की जितनी भी डिवाइडिंग रोड्स हैं उन सब का इम्प्रूवमेंट जो है वो टाइमली सब किया जाएगा। आज इस अगले वर्ष का 2021-22 का बजट है वो भी रखा गया मीटिंग में
और उसको भी हमने पारित किया है। टोटल जो है 1213 करोड़ रुपए का ये बजट है जो रिसीट्स होंगी, और एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेट है 1848 करोड़ का है। तो ये लगभग 600 करोड़ का एक डेफिसिट है, इसको कहाँ से पूरा किया जाएगा, अगली बार जब रिवाइज बजट पेश करेंगे उस समय इसका खुलासा करेंगे। सिकंदरपुर चक्रपुर का जो अरावली हिल्स का एरिया है उसमें एक नगर वन ये बनाया जाएगा, और इसमें CSR की सपोर्ट ली जाएगी, पब्लिक की सपोर्ट से, और ये काम ये सारा कराया जाएगा। तो इसलिए आज बहुत से जो महत्वपूर्ण बैठक निर्णय लिए गए हैं, आने वाले 6 महीने के अंदर फिर से एक मीटिंग करेंगे ताकि उसमें ये सारे काम पूरे हो जाएं। ये सारे विभागों ने आश्वस्त किया है, गुड़गांव को एक अच्छी नई तस्वीर ये मिले ऐसा सबका एक मानना है। यहाँ की जो सिटी बस सर्विस है वो अभी एक प्रकार से घाटे में चल रही है, उसके और विस्तार का एक स्कोप कहाँ कहाँ है इसके ऊपर भी विचार करेंगे ताकि उसको दूसरे शहरों के साथ भी जोड़ा जाए। दिल्ली के साथ भी चल रही है, फरीदाबाद के साथ भी इसको जोड़ करके, और इसको कैसे रेवेन्यू इसका बढ़ाया जाए ये भी आज विचार किया गया। आज की बैठक में हमारे केंद्रीय मंत्री और इंद्रजीत सिंह जी का भी उपस्थिति थी, इनका भी मार्गदर्शन को मिला है। सब लोगों ने मिल करके और GMDA के काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए इसका एक विचार किया गया। देखिए, क्योंकि एक नई एक बनती हुई बॉडी है, उभरती हुई बॉडी है, पहला एक प्रयोग है हमारा हरियाणा में, हालांकि अब दूसरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बन गई है फरीदाबाद की भी, तो हम इसका कोई भर्ती का सिस्टम ऐसा बनाएंगे ताकि इनकी आवश्यकता के हिसाब से जो पोस्ट क्रिएट की जाती हैं, अभी ये सारी पोस्टें जो हैं प्रदेश सरकार के ही दायरे में रखी गई हैं, आगे हो सकता है जैसे लोकल बॉडीज़ की भर्ती की जाती है ऐसी इसकी भर्ती का नया सिस्टम बनाएंगे, तो आवश्यकता अनुसार जितनी भर्ती होगी अपने आप कर पाएंगे, इसका एक विचाराधीन ये विषय है। मेरी बात हुई है पावर डिपार्टमेंट में, तो अभी चूंकि 2 साइकिल्स का जो बिल है उसकी उतनी ही सिक्योरिटी लेने का प्रावधान ये बहुत पुराना है, क्योंकि काफ़ी वर्षों से सिक्योरिटी बढ़ाई नहीं गई थी, रिवाइज नहीं की गई थी, लोगों के बिल ज़्यादा आने लग गए, तो जब बिल ज़्यादा आते हैं उसको फिर बीच में कई सालों के बाद उसको रिवाइज करते हैं, लेकिन अभी हमने तय किया पावर डिपार्टमेंट से बात करके कि इसको एक साथ इकट्ठा ना लिया जाए, इसको 4 किश्तों में ले लें 25-25% करके, ताकि हर 2 महीने के बाद जो बिल आए उसमें 25% लेंगे तो साल भर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि लोगों को एक साथ इसका वजन नहीं पड़ेगा। विकसित हो रहा है लगातार उद्योग, लेकिन पानी की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? देखिए, पानी की आवश्यकता तो निरंतर जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे बढ़ेगी, उसमें जैसे मैंने बताया ना, एक तो जैसे हमने रॉ वाटर जितना वो तो देना ही देना है, लेकिन रॉ वाटर के बाद जो ग्रे वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, उस ग्रे वाटर को ट्रीटमेंट करके और उसको भी रीयूज़ किया जाए इंडस्ट्री में, बागवानी में, पार्कों में, जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता होती है इस प्रकार के वाटर की, और उसमें भी अब टर्सी ट्रीटमेंट के प्लांट भी हम लगा रहे हैं ताकि इसको 5 BOD के आसपास की उसको ट्रीट करके लाया जाए। ये एक रॉ वाटर पोर्टेबल वाटर के रूप में काम आए, पीने के लिए काम आए, बाकी सारी आवश्यकताएं हमारी उसमें से पूरी हों इसको हम कर रहे हैं, और फिर भी और जितनी आवश्यकता है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जैसे हम KMP के साथ साथ 100 MLD का 100 क्यूसेक का एक प्रोजेक्ट है वो हमारा पास हो गया, उसको हम लेकर के आ रहे हैं, और इसी प्रकार आगे भी पानी की आवश्यकता जितनी होगी उसको हम वेस्टर्न जमुना कनाल से या भाखड़ा से जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी इसको पूरा करेंगे, पानी की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा कोई नहीं है, देखिए इस समय तक मैं पूरा निरंतर उस पर नज़र रखे हुए हूँ, और कुछ जिलों के अंदर ज़रूर आढ़तियों ने स्ट्राइक की हुई है, लेकिन उसमें गुड़गांव जिला नहीं है, ये जो ज़िले हैं चाहे हमारा पलवल है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नूह है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये सब ज़िले ठीक से प्रोक्योरमेंट भी हो रही है, और यहाँ जैसे जैसे उठान होगा वैसे वैसे उनको जैसा 72 घंटे के बाद हमने कहा पेमेंट उनकी होगी, और किसी कारण से लेट होती है तो इस बार सॉफ्टवेयर में व्यवस्था कर दी है कि 9% का इंटरेस्ट किसान को साथ ही जाएगा, क्योंकि इस बार पेमेंट सीधी बैंक से किसान के खाते में जा रही है, बीच में कोई वाया मीडिया नहीं है, वाया मीडिया होने पर कई बार कठिनाई आती है, लेकिन इस बार सीधी क्योंकि किसान को जाएगी इसलिए उसको इंटरेस्ट समेत पेमेंट जाएगी अगर लेट हो, वैसे लेट होने का कोई कारण नहीं है,
आज स्थिति यह है कि हमारे पास जितने फंड्स जितने आवश्यक होते हैं वो लगातार हम उसमें डाल रहे हैं और लगातार उन फंड से पेमेंट करने की हमारी व्यवस्था है। देखिए लंबे प्रोजेक्ट होते हैं और फिर चूंकि गुड़गांव की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए लगातार बढ़ता हुआ शहर है, इसकी रिक्वायरमेंट के भी अनुमान लगातार बदलते रहे हैं। फिर कई प्रकार के मेट्रो के प्रोजेक्ट RRTS है या रैपिड यानी मेट्रो है, तो ऐसे कई तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका सबका समन्वय बैठाना पड़ता है और समन्वय बैठाने में फिर दिल्ली मेट्रो के साथ भी तालमेल करना पड़ता है। अब मोटे रूप से सारे प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं, सब फाइनल हो गए हैं, DPR उसके बना करके और केंद्र को भेजी जा चुकी है, अब बहुत जल्दी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। दिल्ली और नोएडा में कोरोना के चलते नाइट कर्फ्यू जैसी स्थिति आ गई है, तो क्या हरियाणा में भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन? लगातार नजर रखी हुई है, कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है, रात को ही कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है, निर्देश दे दिए गए हैं सब और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीज़ें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे, इसके बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा वैसा देखेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे, एकदम पैनिक क्रिएट ना किया जाए जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था, मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था, पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीज़ें चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है, लगातार हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। इस बार ज़्यादातर पेशेंट्स अपने घरों में ही उनको आइसोलेशन किया जा रहा है, हॉस्पिटल में आने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं महसूस की जा रही, फिर भी हॉस्पिटल में भी हमारी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा पैनिक नहीं है कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकेंगे, मुझे पूरा। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।